हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपकी प्रगति किस क्षेत्र में होगी, माली हालत आपकी कैसी होगी, नौकरी किस क्षेत्र में मिलने वाला है और आज आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता कितनी मिलने वाली है, विदेश यात्रा का योग है कि नहीं और आज आपके अपने पड़ोसियों से मित्रों से संबंध कैसे रहेंगे इस पर भी बात करेंगे और न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा होगा तो उसका क्या हाल होगा ये भी बताने वाला, आज आपकी भाग्योदय कब कैसे होगा ये भी बताएंगे, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है ये भी बताएंगे, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है आज हम ये भी आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि बॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखें, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान और अपना प्रश्न लिख करके भेजें ताकि अगले एपिसोड में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा द्वंद्व का रहेगा। आपके मन में तमाम तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ करेगी। आप सोचेंगे करें ना करें, करना चाहिए नहीं करें, इस उधेड़ बुन में आप रहेंगे। इस उधेड़ बुन से निकल करके आपको आज सेल्फ रिव्यू करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है उसको लक्ष्य बना करके करें, आपके लिए अच्छा। जो नहीं करना है उसको वहीं उस चैप्टर को क्लोज कर दें। करने न करने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज आपको सोचे कि क्या करना है उस दिशा में कार्य कर लीजिए। आज आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत आपकी अच्छी होगी। पढ़ाई लिखाई शिक्षा एजुकेशन एक्स्ट्रा करिकुलर लालित्य कला लेखन कार्य राइटिंग वर्क स्केचिंग पेंटिंग डांसिंग और मौलिक कार्यों से आज आपका कैरियर बन सकता है। इस फील्ड में अगर आप एफर्ट करते हैं तो आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। ट्रेडिंग से आज आपको पैसा मिल सकता है। यदि फाइनेंस के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करने की प्लान कर रखे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपको ऑडिट से पैसे मिलेंगे, सीए करने से पैसे मिलेंगे और कीमती सलाह का आज आपको पैसा मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम दिए हैं तो उसमें आज आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में चिंता की स्थिति हो सकती है। पड़ोसियों से संबंध खराब हो सकते हैं। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके अधीनस्थ और उच्चस्थ लोगों से किसी बिंदु पर थॉट कन्फ्लिक्ट हो सकता है। वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है तो उसमें मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बेहतर होगा। और दूर देश की यात्रा करने से परहेज करें, उद्विग्न मन को कंट्रोल करें और आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करें। खान पान पर नियंत्रण रखें। कोई भी स्वादिष्ट चीज मिलेगा तो वो वेरिटिंग कर सकते हैं तो इससे बचना है, नहीं तो हेल्थ आपका खराब हो सकता है। और आज आपको भगवान श्री गणेश के शरण में रहना, उन्हीं की पूजा करना है और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि अपने और परायु में विभेद करना बहुत जरूरी है। हर आदमी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है। आज आपके लिए उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय ये करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है, भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सी ग्रीन। हरे कृष्ण।